नमस्कार, सिटी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है प्रेमचंद कुशवाहा जी। हम इनसे जानेंगे बीजेपी जो बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी से उनसे हम जानेंगे कि बीजेपी में क्या माहौल है, क्या चल रहा है माहौल के बारे में। आपके आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने मेरे पास आकर के हमसे पार्टी के संदर्भ में कुछ जानकारी लेने की चेष्टा की है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप रक्सौल 10 विधानसभा से हेलीकॉप्टर कैंडिडेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए हेलीकॉप्टर कैंडिडेट तो मैं किसी को नहीं कहूँगा। इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। जो भी प्रत्याशी, आज ये लोकतंत्र हमारा मजबूत हुआ है तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को देख रहे हैं। होना भी चाहिए, मैं किसी को कम और ज़्यादा आंकने का मैं नहीं कहता हूँ। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं किसी को हेलीकॉप्टर का नेता नहीं बताना चाहूँगा। सभी लोग अपनी अपनी योग्यता का परिचय दे रहे हैं और मतदाता मालिक है, जिसको तय करेगा वही चुनाव लड़ेगा। अभी फिलहाल में जब संजय जायसवाल जी यहाँ पे आए थे, जनसभा का आयोजन था हरिया में, वहाँ पे उन्होंने कहा जो कमल पे आएगा वही राज करेगा रक्सौल पे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखा जाए कि चैनल पे बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे डाला भी, कोई भी, हम भी आपसे बात कर रहे हैं, बात करने में कहीं हमारी टोंग स्लिप हो सकता है, इसको बहुत ही इशू नहीं लिया जाए। वो एक जिम्मेवार पर्सन है और प्रदेश के वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अगर बात कहा है तो पार्टी के प्रति कहा है कि पार्टी के प्रति जो जवाबदेह और ईमानदारी से काम करेगा वो उसी को टिकट मिलेगा। उनका संदर्भ यही था, दूसरा कुछ नहीं। राज करने नेता तो राज नहीं करता है, नेता तो सेवक होता है और सबके बीच का लोग होता है। इसलिए इसमें ये लोकतंत्र है, यहाँ राजतंत्र नहीं है कि कोई राजा बन के राज करेगा। इसको अलग अलग तरीके से लोग समझ सकते हैं। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जो रक्सौल पे कमल से आएगा वही राज करेगा? मैं तो बात बता दिया ना कि उनका कहने का सेंस है कि जो लोग पार्टी के सही सिपाही हैं, आज आप देख सकते हैं जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि मैं कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी हमारे देश के सबसे पुराने भाजपा के नेता, जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचने का काम किया। और पार्टी, बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि आपको बहुत उचित स्थान नहीं मिला, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनको जो सम्मान है वो भारतीय जनता पार्टी में किसी को सम्मान नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी सभा में उनका चरण स्पर्श करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये गार्जियन की भूमिका, एक मार्गदर्शन भूमिका के रूप में है। तो वो कभी किसी पार्टी लाइन में खड़े नहीं हो गए, तो इस तरह की बात, आज आपको टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल ली है, इस नाते उन्होंने कुछ कहा कि जो लोग कमल के साथ रहेंगे उनको पार्टी टिकट देगी ना। अभी फिलहाल में सीमा जागरण मंच के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेश अग्रवाल जी, उनको बीजेपी द्वारा निष्कासित किया गया और उनका कहना है कि वो बीजेपी में किसी पोस्ट पे भी नहीं थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत तो जनसंघी लोग हैं, बहुत दिनों से पार्टी की सेवा करते रहे हैं, आपने कभी पार्टी के खिलाफ उनकी कोई एक्टिविटी नहीं देखे होंगे। आज अगर वो आगे आकर पार्टी के खिलाफ अगर कुछ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पार्टी सबके ऊपर कार्रवाई करते हैं। महेश अग्रवाल जी नहीं, बहुत जितने लोग हैं उनके ऊपर पार्टी विचार करेगी। उनका कहना है कि वो बीजेपी में किसी पोस्ट पे नहीं है। वो आज तो बोलेंगे ही, आज पार्टी से किसी पोस्ट पे नहीं है, पार्टी जब उनको निष्कासित कर दिया है तो बोलेंगे ही। लेकिन पार्टी के तो वो टिकट लेने के दावेदार में थे, वो अग्रणी कतार के नेता थे, हम लोग उनका विभाग आज भी मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। व्यक्तिगत भावना से अगर किसी के साथ जुड़े हैं वैसे लोग को हिसाब विचार नहीं करना चाहिए। क्या माहौल चल रहा है, आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या माहौल चल रहा है, कैसा लग रहा है आप लोग को कि बीजेपी को मत मिलेगा या नहीं? देखा जाए ये पूरे बिहार की चुनाव है और आप लोग मीडिया वाले हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, सबका व्यू आप अलग अलग से जानते हैं। यहाँ तो आप जानते हैं कि पार्टी के जितने वफादार सिपाही हैं आज कचकट्टा के बल पर 5 बार यहाँ विधायक बने हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, और आज उसी पार्टी से, ऐसा नहीं है कि पार्टी
में कहीं टिकट बिकता है और कोई खरीद करके लाता है, कई आरोप लगे। ऐसा होता तो बहुत सारे लोग इस लाइन में खड़े थे, लेकिन पार्टी इतनी बड़ी लोकतंत्र पार्टी और भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मुझे गर्व हो रहा है कि ऐसे पार्टी का सदस्य होना भी अपने आप में बहुत बड़ा गौरव एहसास दिलाता है। और इसमें सारे लोग जनता के बीच एक बात आई सर्वे के आधार से, पार्टी का जो सिस्टम है ऐसा नहीं है कि किसी को पार्टी ला करके खड़ा कर देती है, इसमें पार्टी सर्वे कराती है, पार्टी के आधार से लोगों को टिकट दिया जाता है, केंद्रीय कमेटी तय करती है और कई तरह के फैसले के बाद ऐसा होता है। लोगों का ऐसा मानना था कि माननीय विधायक जी 25 वर्षों से हम लोग का सेवा करते रहे हैं, अब की बार कैंडिडेट अगर बदला जाता है तो लोगों में उत्साह बढ़ेगा और लोग मतदान करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आज उतना ही उत्साह है, मैं समझता हूँ कि लोगों में काफ़ी उत्साह है और वोट प्रतिशत हमारा बढ़ेगा।